तो भैया सेल्फी एक्सपर्ट गुना अशोकनगर के भारतीय जनता पार्टी के सांसद केपी यादव के चेहरा के पीछे की मुस्कान आखिरकार अपनो दर्द बयान कर गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया को 2019 के लोकसभा चुनाव में हराने वाले केपी यादव अब अपनी पार्टी में हाशिए पे हैं। गुना अशोकनगर क्षेत्र के कार्यक्रमों में उनको बुलाओ नहीं जात और इन कार्यक्रमों में सीधे तौर पर सिंधिया समर्थक मंत्री विधायक हावीरत हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे कद्दावर नेता को हरावे वाले केपी यादव खुद ही निमंत्रण पत्र को इंतजार करत रह जात। और अब यही मसला पे केपी यादव ने लोकसभा अध्यक्ष को बाकायदा चिट्ठी लिख के शिकायत करी है और कही जा रही कि उनने इस तरीके की चिट्ठी अपने नेतृत्व को भी लिखी है। क्या मामला है? देखिए, मैं एक नए भारत का शिक्षित व्यक्ति हूँ और यहाँ की जनता ने मुझे चुना है। मैं यहाँ का चुना हुआ जनप्रतिनिधि हूँ, एक सांसद हूँ। जहाँ कहीं लगता है कि एक जनप्रतिनिधि के जो अधिकार हैं उनका हनन हो रहा है, तो निश्चित ही मैं संबंधित विभाग को या अपने शीर्ष नेतृत्व को उससे अवगत कराता हूँ और ये मेरा कर्तव्य बनता है कि अगर कभी ऐसा कुछ होता है तो उसको मैं अवगत कराऊं, क्योंकि यहाँ की 17 लाख जनता ने मुझे चुना है, तो उनकी भावनाओं का सम्मान रखना मेरा कर्म है, मेरा धर्म है। डॉक्टर केपी यादव ने सीधे तौर पे सिंधिया समर्थक मंत्री विधायकों को अपरोक्ष तौर पे निशाने पे लौ है और कही है कि एक सांसद के नाते उनको जो भी मान सम्मान प्रोटोकॉल है उखो बरकरार रखे जाए चाहिए। दरअसल केपी यादव पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेहद खास थे, फिर 2019 के चुनाव में उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दो, कांग्रेस के टिकट पे ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़े और केपी यादव ने सिंधिया को चुनाव हरा के सबको चौंका दो। देखते ही देखत केपी यादव भाजपा की आंखों के तारे बन गए, लेकिन जैसे ही ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़ भाजपा में आए सो फिर वे बेचारे बन गए और अब संघर्ष कर रहे हैं गुना अशोकनगर क्षेत्र में अपने वजूद के लाने। अशोकनगर से विश्वास अगरिया, बुंदेली, बौछार के लाने।